तीसरी लोकाई थाना क्षेत्र के पनियाय गांव के स्कूल में जलमीनार दो वर्षों से बंद पड़ा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। लाखों रुपए खर्च के बाद भी लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। ग्रामीणों के शिकायत के बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोई सुधि नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने कहा, इस गाँव में एक भी जलमीनार नहीं दिया गया, जिससे यहाँ के लोगों को नहाने पीने के लिए काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है। जब गांव में स्थित स्कूल के पास जलमीनार लगा तो गांव के लोगों के साथ स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में भी खुशी देखा गया, क्योंकि बच्चों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। हम लोग कितने बार लोकाय मुखिया को सूचना दिए, समस्या से कई बार अवगत किए, लेकिन एक बार भी गाँव में देखने तक नहीं पहुँचे। इधर सरकार गाँव में विकास के लिए 14वें वित्त एवं 15वें वित्त में लाखों रुपये पेयजल की व्यवस्था पर जोर दे रही है। इससे साफ प्रतीत होता है कि लूट मचा हुआ है। अभी नहाने का भी है, जानवर का भी दिक्कत। कब से जलमीनार खराब है आपका? हम लोग का 3 साल से 3 साल 2.5 साल से खराब है। तो मुखिया जी को नहीं बोले? तो मुखिया जी हम लोग बोले तो आके देखा तो क्या क्या बोला, हम लोग नहीं जानते उतना। बोला अभी तो बनाया नहीं गया है? नहीं बनाया है। यहाँ एक भी जलमीनार नहीं है क्या? नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है केशव। केशव? हाँ। कहाँ से लाते हैं पानी? कुआं से, ढेर नीचे से। ये जलमीनार खराब है आपका? हाँ खराब। कब से खराब है? हो गया साल हो से। अभी तो बंद पड़ा हुआ है। कौन है मुखिया आपका? कौन है? समझ गया। कई लोग